जोहार झारखंड, जय झारखंड। सबसे पहले आप तमाम झारखंड वासियों को मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। आपने इस युवा को इतना हिम्मत देने का काम किया, इतना प्यार, इतना समर्थन और इतना समर्पण आपको मिला कि आज पूरे राज्य में कहीं अगर कोई चर्चा का विषय है तो आपका लाडला बेटा, आपका छोटा भाई, आपका टाइगर जयराम महतो पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है। सबसे पहली बात, चलिए आपको शुभकामनाएं कि मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है। 4 पेपर मैंने भरा था जिनमें 3 पेपर को सेलेक्ट किया गया है। एक रूमर आया कि नहीं, अंतिम पेपर को सेलेक्ट किया गया है और 3 पेपर रिजेक्ट हुए हैं, जो कि सत्य नहीं है। 3 पेपर सेलेक्ट हुए हैं, 1 पेपर रिजेक्ट हुआ है। अब रिजेक्ट क्यों हुआ है थोड़ा सा कारण बता देते हैं, कि बहुत सारे लोग कहने लगे कि पढ़े लिखे नौजवान और गलती कर रहे हैं। तो एक बात क्लियर आप जान लीजिए कि नॉमिनेशन फॉर्म वकील भरते हैं, और वकील रहे या कोई रहे, सबसे पहले उनका धन्यवाद। कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, मानवीय भूल हो जाती हैं। तो समस्या ये थी जिस फॉर्म को रिजेक्ट किया गया कि उसमें हस्ताक्षर यानी नाम, वोटर आईडी का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर किन्हीं और का था और हस्ताक्षर किन्हीं और का बाय मिस्टेक इसलिए हुआ था क्योंकि हमने लगभग 2-3 दिनों में 5 बार हम लोगों ने पेपर में केस के सिलसिले में रिजेक्ट किया था, काट कूट किया था, क्योंकि नया नया केस हमें मिलता जा रहा था और नया नया फॉर्म बनता जा। और सबसे खास बात, यदि डिटेन ही करना था, यदि वारंट ही निकालना था, तो 2 साल के दरमियान मैंने नहीं करने से भी 2,500 सभा किया है। उस दरमियान अरेस्ट करते, चतरा नॉमिनेशन के समय अरेस्ट करते, हजारीबाग नॉमिनेशन के समय अरेस्ट करते, लेकिन खैर साजिशें बहुत गहरी हैं, साजिशों का जो जड़ है वो बहुत दूर तक फैला है, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग भी बीज हैं, दबेंगे नहीं, पुनः उग जाएंगे। तो ये केस का डिटेल है। मैं मानता हूँ केस की जानकारी मुझे बिल्कुल 30 तारीख को कंफर्म हुई है, और 30 तारीख को जैसे ही कंफर्म हुई, अगले दिन नॉमिनेशन के दिन हम लोग अपना फॉर्म को चेंज किए उस पेज को, और नया पेज प्रिंट आउट करके निकाले, उसमें केस के डिटेल्स को भरे, और फिर मैंने अपना हस्ताक्षर किया। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। आप संजय दा से पूछ सकते हैं कि संजय दा ने जब मुझे जानकारी दी तो मेरे चेहरे में किस प्रकार से एक आश्चर्यचकित का क्वेश्चन मार्क था कि संजय दा ऐसा कैसे होगा, नहीं मेरा नाम ही नहीं हो सकता है, इतना हम कॉन्फिडेंट थे।